और आप देख रहे हैं लिज़म टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य में विधानसभा चुनाव का 8वां और अंतिम चरण 29 अप्रैल को होगा। रानीगंज के एक पुराने घर की लकड़ी की बीम गिरने से एक लोग की मौत हो गई। वसीरहाट के सोलादाना एक भाटा इलाके में एक महिला ने अपने पति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी, फिर पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। वसीरहाट के सोलादाना ईट भाटा इलाके में एक युवक की उसकी पत्नी ने हत्या कर दी। 22 साल की अकलीमा बीबी ने 26 साल के अपने पति जाकिर हुसैन को कुचलकर मार डाला। वे ईट भट्टे पर एक घर में रहते थे। एक सूत्र के अनुसार सोमवार को दोपहर के समय अकलीमा ने जाकिर के सिर पर पत्थर से प्रहार किया, क्योंकि कम ज्वार में बहुत से लोग नहीं थे। कथित तौर पर उसकी पत्नी अकलीमा खून से लथपथ जाकिर को घर में छोड़कर भाग गई। पीड़ित की कथा सुनकर स्थानीय लोगों ने जाकिर को खून से लथपथ हालत में बचाया और उसे वसीरहाट जिला अस्पताल ले गए। कलकत्ता के रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी। सभी ने अकलीमा के लिए अनुकरणीय सजा की मांग की। জাকির ভীষণ অবস্থা খারাপ, ওর বউ মেরেছে, নোড়া দিয়ে মাথায় মেরেছে, মুখে মেরেছে, গালে দাঁত নেই, একটাও চোখ একটা বাড়িয়ে গিয়েছে, আর গায়ে সমস্ত গায়ে কপিয়েছে। অবস্থা ভীষণ খারাপ, এখন বদরতলায় নিয়ে গিয়েছে ভর্তি করতে। এবার হচ্ছে না, অবস্থা ভীষণ খারাপ, তো বাড়ির থেকে গার্জেন যেতে বলেছে তাড়াতাড়ি চলে যান। এখান থেকে গিয়েছে, ওখানে গেলি বললো কিনা ভীষণ অবস্থা খারাপ, আজকাল ট্রান্সফার করবে। করার পরে এবার ওখান থেকে কিছুক্ষণ পরে সংবাদ আসছে কিনা যে মারা গিয়েছে। তো মেরে কি ঘরে দরজা দিয়ে বউ কথা মেরে ঘরে বউ তালা দিয়ে চলে গিয়েছে বাচ্চা দুটো নিয়ে। এবার সাইটের লোকেরা মধ্যে জল আনতে দিচ্ছিল কলে। এবার তখন এবার ঘরের মধ্যে গো গো করে আওয়াজ হচ্ছে। এবার ওলো যে ঘরের মধ্যে কিসের আওয়াজ হচ্ছে, দরজা ভেঙে দেখে ও তখন ওই অবস্থা, ভীষণ খারাপ অবস্থা। তখন ওই ভাটার লোকেরা ওরাই নিয়ে ওরাই ভর্তি করেছে। শুনেছেন কি আপনারা? সন্ধ্যেবেলা আগানের সময় দুটো লোক এসছে, এসে বললো তোমার ভাইরে ওর বউ কপিয়েছে, কপালে খুব অবস্থা, দুর্ঘটনা, হসপিটালে ভর্তি, শীঘ্রই চলে যাও, গিয়ে দেখো। ওখানে গিয়ে দেখে ট্রান্সফার করেছে, মাথায় মেরেছে, চোখ মেরেছে, মুখ মেরেছে, সারে জায়গায় কোপাইছে। ওখানে পরে कोरोना ने पूरे देश में महामारी का रूप ले लिया है। वनगांव के एक स्वैच्छिक संगठन के सदस्यों ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक नए तरीके से सड़कों पर कदम रखा। पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर चली है। भारत में संक्रमण की दर सबसे अधिक है। अकेले राज्य में संक्रमण की दर 15,000 से अधिक हो गई है। वनगांव में एक स्वैच्छिक संगठन के सदस्यों ने मास्क और गुलाब सौंपे। बेपर्दा राहगीरों द्वारा क्षेत्र में कई लोगों ने आम लोगों के बीच मास्क पहनने के महत्व को दिखाने के लिए कुर्निस को अपनी पहल के बारे में सूचित किया। মাস্ক ছাড়া, হ্যাঁ, আপনার মাস্ক কোথায়? তারা কি সচেতন হচ্ছে বলে মনে হয়? আপনার নাম?
पूरे देश में श्वास लेने की ऑक्सीजन की कमी हो गई है। कुछ व्यापारी ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। वसीहाट थाने की पुलिस इसे रोकने के लिए सड़क पर उतरी। वसीहाट पुलिस स्टेशन की पुलिस ने मास्क ना पहनने पर प्रतिबंध लगाने के अलावा ऑक्सीजन के कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए उपमंडल के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। जैसे ही पुलिस को ऑक्सीजन सिलेंडर के गुप्त स्टॉक की खबर मिली, उन्होंने अवैध स्टॉकिटों के खिलाफ भी कार्रवाई की। अवैध रूप से ऑक्सीजन सिलेंडरों का स्टॉक करने वाली किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। पुलिस ने सोमवार और मंगलवार सुबह से मटिया, हारोहा, संदेश खली, मिनखा, हसनाबाद और स्वरूप नगर सहित वसीहाट उप डिविजनल के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की। कोरोना संक्रमण से कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी बीच एक जापानी कंपनी ने राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए 3 शिफ्टों में कारखाने में ऑक्सीजन की उत्पादन करके कुछ उम्मीद दिखाई है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के कारण पूरी दुनिया एक उन्माद में है। भारत के विभिन्न हिस्सों में हर दिन कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं महेशतला में एक जापानी कंपनी ने राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए 3 शिफ्टों में कारखानों में ऑक्सीजन का उत्पादन करके कुछ उम्मीद दिखाई है। वर्तमान कोविड की स्थिति में ऑक्सीजन का एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ज्यादातर मामलों में मौतों के लिए ऑक्सीजन की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। संक्रमण की दूसरी लहर में सांस लेने में कठिनाई के कारण ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। इस समय राज्य के महेशतला में इस कारखाने की पहल से सराहनीय है। এয়ার ওয়াটার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, এখানে কি আগের তুলনায় কম উৎপাদন হচ্ছে না তুলনায় বেশি উৎপাদন হচ্ছে? আগের তুলনায় বেশি উৎপাদন হচ্ছে। তাহলে কি অক্সিজেন নিয়ে যেটা ভ্রান্তি ছড়াচ্ছে মানুষের মধ্যে, এটা কি ঠিক না ভুল? আগের তুলনায় আমরা বেশি উৎপাদন করছি আমি এটুখানি বলতে পারি। অর্থাৎ এখন পাওয়া যাচ্ছে অক্সিজেন? পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো আপনারা কোথায় কোথায় পাই? আমরা বিভিন্ন হসপিটালে দিই। কোন কোন জায়গায়? বিভিন্ন সরকারি হসপিটাল আছে আর বিভিন্ন প্রাইভেট হসপিটাল আছে। राज्य में एक और कार्यालय चुनाव बचा है। राज्य विधानसभा चुनाव का 8वां और अंतिम चरण 29 अप्रैल को होगा। राज्य में एक और कार्यालय चुनाव बचा है। राज्य में विधानसभा चुनाव का 8वां और अंतिम चरण 29 अप्रैल को होगा। पश्चिम वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। विभिन्न मतदान केंद्रों से ईवीएम के स्ट्रांग रूम में लाया गया है। मंगलवार सुबह आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम को एक सुरक्षा बेल्ट में लपेटा गया। रानीगंज के तिलक रोड पर एक पुराने घर की लकड़ी की बीम गिरने से एक लोग की मौत हो गई। रानीगंज के तिलक रोड पर सार्वजनिक पुस्तकालय के सामने फुटपाथ पर मंगलवार की दोपहर फुटपाथ के एक लकड़ी के बीम गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में मृतक की पहचान रानीगंज के कुमार बाजार इलाके के निवासी असित कुमार दे के रूप में की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि घर लंबे समय से जर्जर हालत में था। घटना यही घटा था। मकान जो है बहुत पुराना मकान ही है। कहाँ पे? ये मकान जो सामने वाले मकान जो गिरा पिलर बीम तो एक लड़का पास हो रहा था इधर से। लड़का घुमा करते 22-23 साल उम्र का घुमा हुआ जो लड़का है एलआईसी करता हूँ उसी को टाइम में बीच में बीम तो उसके सर पर गिरा। गिरने के बाद क्या हुआ उसने? जिसके ऊपर गिरा कहाँ का था? उम्र में काम करता हैं
वो खाली नहीं करता है। 30 साल से उसका दुकान भी बंद है, वो दुकान भी नहीं खुलता है। और वो दुकान बंद क्या कर रखा है? नीचे का दुकान और ऊपर का बिल्डिंग दोनों एक साथ रेंट में दिया हुआ। नहीं, ऊपर वाला तो ऐसे खाली पड़ा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। नीचे वाला रेंट में दिया हुआ था, इसलिए वो फंसा हुआ। तो 20 साल से दुकान नहीं खुलता, 20 साल से उसको बोल रहे हैं। म्यूनसिपालिटी में एक चिट्ठी हम लोग दिए थे, उस चिट्ठी के ऊपर उसके बाद कोई डेमोलाइज के अंदर हम लोग कुछ डेमोलाइज भी करवाए थे। ये आकस्मिक दुर्घटना है, ये बीम कब गिरा, कैसे था, लटका हुआ भी नहीं था, ये नसीब से कोई कारण से वो नीचे लटक गया, बाकी वो बिल्डिंग गिरने लायक नहीं था। अच्छा, प्रशासन को कोई आप ऐसा चिट्ठी दिए थे कि कभी भी मकान गिर सकता है? आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई और सच्ची खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिज़म टाइम्स। धन्यवाद।